हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी एक बार फिर तो थोड़ा अपने इस चैनल स्टडी सुपीरियर दे विच। दोस्तों आज आप गल करेंगे इस वीडियो दे विच कि इस साल दे विच जिहड़ा 2020 दे विच पी एस टैट का पेपर कदों हो सकता है जी, तो दूजी गल करेंगे जी जिहड़ी पी एस टैट की जो रिवाइज आंसर की है दोस्तों वो कदों तक आ सकती है जी। ठीक है जी, तो इस दे नाल दोस्तों मैं तुहानूं कहना चाहूँगा जेकर किसी ने चैनल नहीं सबसक्राइब करिया जी, पहला सब तो पहला चैनल सबसक्राइब कर लो तां जो मेरियां फरदर अपडेट्स ने जिहड़ियां फ्यूचर दे विच मैं अपडेट्स पावांगा उह तुहाडे तक सब तो पहला पहुँच सकन जी। ठीक है जी, तां गल करिए दोस्तों जिहड़ा पी एस टैट का इस साल का पी एस टैट आ वो कदों हो सकता है जी। दोस्तों जेकर देखा जाए तो हर साल जिहड़े 2-3 साल लगातार ही पी एस टैट का जिहड़ा एग्जाम आ वो लास्ट मंथ दे विच हुंदा है, मीनस नवंबर या दसंबर दे विच इहदी जिहड़ी रजिस्ट्रेशन आ वो स्टार्ट हुंदी है जी, ते जनवरी दा फरवरी दे विच ही एग्जाम हुंदा। पिछली बार जिहड़ा एग्जाम होया सीगा वो 25 फरवरी नूं होया सीगा जी, ते लगभग 1.5-2 महीने दे विच उहदा जिहड़ा रिजल्ट वगैरह सीगा आंसर की वगैरह वो सारियां आ गईयां सीगियां जी। ठीक है जी, ते इस दे नाल जेकर असीं आइडिया लाईए दोस्तों तां इस साल दा जिहड़ा पी एस टैट है वो नवंबर या दसंबर महीने दे विच उसदी रजिस्ट्रेशन है जिहड़ी वो स्टार्ट होवेगी, ते एग्जाम जनवरी दा फरवरी दे विच ही होएगा जी। उस तो पहला दोस्तों पी एस टैट होने की कोई संभावना नहीं हैगी जी, क्योंकि जेकर असीं पिछले साल की जानकारी के मुताबिक देखिए तो 2-3 साल हो गए जी पी एस टैट का जिहड़ा पेपर है वो जनवरी या फरवरी के ही होंगे हर साल जी। ठीक है जी, तो इस दे लई ही असीं आइडिया लगा के कह सकते हैं कि इस साल जिहड़ा पी एस टैट का पेपर है वो जनवरी या फरवरी के ही होएगा जी, उसकी जिहड़ी रजिस्ट्रेशन है वो नवंबर या दसंबर महीने के स्टार्ट कर दी जाएगी जी, तो एग्जाम आ जिहड़ा वो जनवरी या फरवरी के जरूर होएगा जी। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता दोस्तों पेपर बारे तो तुहानूं जानकारी मिल गई होगी जी। तो हुण आपां गल करिए जी जिहड़ी कि पी एस टैट की रिवाइज आंसर की है जी। ठीक है जी, तो रिवाइज आंसर की दोस्तों जिमें कि तुसीं जानते हो पी एस टैट की जिहड़ी 19 जनवरी में पेपर होया सीगा जी पेपर 1 ते 2, उन्हां दी जिहड़ी आंसर की है बोर्ड वालों ऑलरेडी जारी कर दी गई है जी, तो उन्होंने दोस्तों बोर्ड ने ऑब्जेक्शन मंगिया सीगा 3 फरवरी तक जिहड़े कैंडीडेट के क्वेश्चन गलत सी उन्होंने ऑब्जेक्शन भी पाईआं ने जी, तो रिवाइज आंसर की आने की दोस्तों संभावना से कि हफ्ते के जी रिवाइज आंसर की आ जाएगी जी, परंतु जेकर असी देखिए तो लगभग अज एक हफ्ता हो चुका बोर्ड वालों कोई जी रिवाइज आंसर की है वो नहीं जारी की गई जी। तो पिछली बार दोस्तों जेकर असी देखिए तो जोड़ा 25 फरवरी में पेपर होया उस जी ऑब्जेक्शन मंगी गई सी उस ऑब्जेक्शन के जोड़े क्वेश्चन से ग्रेस मार्क से वो ऑलरेडी रिजल्ट के ही एड करके दिए गए थे जी, मीनज जिहड़ा 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया सीगा जी पी एस टैट का पेपर 1 ते 2 का, उन्होंने जिहड़ी ऑब्जेक्शन की ग्रेस मार्क्स से जी वो पेपर के रिजल्ट आया से जो उस ही एड करके दी गई सी। ठीक है जी, तो उस दोस्तों असं कह सकते हैं कि इस साल भी जी पूरी पूरी संभावना है कि रिवाइज आंसर की जिहड़ियां ऑब्जेक्शन ने ग्रेस मार्क्स ने रिजल्ट के ही एड करके दिए जाएंगे जी। ठीक है जी, रिजल्ट की जेकर असं गल करिए दोस्तों हर साल 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं जी रिजल्ट आने, तो इस साल भी जो रिजल्ट है वो 1.5 से 2 महीने के ही आएगा जी। 19 जनवरी दोस्तों पेपर होया सीगा जी, फरवरी के रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं, परंतु मार्च के मिड के मीनस मार्च के 10 तो लैके 15 तरीक तक जो रिजल्ट है वो बोर्ड वालों जारी कर दिया जाएगा जी। ठीक है जी, तो इस तो इलावा दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि जेकर सारे जिहड़े नंबर ने घट या वध सकते हैं, दोस्तों इदां जी गल जेकर तो ग्रेस मार्क्स मिलती है जी वो सारे कैंडिडेटों को दी जाती है, मीनस 1 तो 2 नंबर की जी असं ग्रेस मार्क्स की गल कर रहे थे जेकर बोर्ड वालों ग्रेस मार्क्स दी जाती है तो वो सारे ही कैंडिडेट को दी जाती है जी। ठीक है जी, बाकी जेहड़े दोस्तों कई कैंडिडेट अजे ने जी जिन्हें क्वेश्चन गलत हुए हैं बोर्ड वालों गलत किए गए हैं आंसर की दिवस कह रहे हैं कि साडे क्वेश्चन ने जिहड़े वो गलत ने जी, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन पाने 1 तो 2 नंबर का फर्क तो पै सकता, परंतु जेकर बोर्ड ग्रेस मार्क्स दिता जी तो वो सारे कैंडिडेट को दी जाएगी जी। ठीक है जी, चाहे वह नंबर किस दे दोस्तों 82 ने या 81 ने तो 90 के जोड़े जनरल कैंडिडेट ने जी, तो मतलब गल कह दोस्तों यही है कि जेकर ग्रेस मार्क्स दी जाएगी तो वो सारे कैंडिडेट को इकट्ठी ही दी जाएगी जी। ठीक है जी, इस तो इलावा दोस्तों रिजल्ट बारे मैं तुम्हें दस ही चुके कि 1.5 से 2 महीने के जोड़ा रिजल्ट है वो बोर्ड वालों जारी कर दिया जाएगा जी। ठीक है जी, तो इस दोस्तों मैं तुम्हें दसना चाहवागे कि आप इस तो बाद मास्टर कैडर की जी प्रिपरेशन उसकी स्टार्टिंग करा जी, मैं तुम्हें दोस्तों कल एक हिस्टरी का लैक्चर प्रोवाइड करूँगा जिद अपने क्वेश्चन होगा जी 20 से 25 क्वेश्चन होगा जोड़ा कि अपना एक डैमो लैक्चर की तरह काम करेगा, तो उस तो बाद मैं दस सकते हो दोस्तों कि लैक्चर तुम्हें किदा का लग्या, तो इस मैं तुम्हें होर जे लैक्चर ने प्रोवाइड करता रहा जी। ठीक है जी, तो बस दोस्तों इनकी जानकारी मैं तुम्हें देनी सी जी, तो फरदर अपडेट लिए चैनल को सबसक्राइब कर सकते हो जी। ठीक है जी, थैंक यू जी।